नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पप्पू ऐप के बारे में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे चार ट्रिक जिसकी मदद से फ्री में आप यहां पे कॉइन्स पा सकते हैं। और दोस्तों, कॉइन्स इस एप्लीकेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के मदद से मेंबर्स की अर्निंग होती है। ओके, यही कॉइन आप किसी को सेंड करते हैं और जिससे अर्निंग होती है। अब यहां पे जो भी मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, ये चारों के चारों काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं, हमारी आईडी में ही मौजूद हैं। इसमें से कोई भी ट्रिक ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। तो प्लीज़ ये समझने के लिए वीडियो के साथ आप बने रहें। अब दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरा पप्पू आईडी है और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे कि हमारे पास कितने कॉइन्स पड़े हुए हैं। ओके, और यहीं पे नीचे देखिए टॉपअप का ऑप्शन भी दिया गया है। तो टॉपअप हमें तब करवाना होता जब ये कॉइन्स खत्म हो जाएं, उसके बाद अगर और भी आप ज्यादा गिफ्ट सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए। और टॉपअप जब भी आप करवाएं तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप जो नॉर्मल रिचार्ज करवा रहे हैं उससे बेटर है कि जो यहां पे एजेंट का दिया गया ना, एजेंट से किसी से भी रिचार्ज करवाएं। एक ट्रस्टेड एजेंसी का डिटेल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चाहें तो उनसे भी कॉइन्स यहां पे परचेज कर सकते हैं। ओके, और देखिए एजेंट से कॉइन परचेज करने पे यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन से 30% एक्स्ट्रा आपको कॉइन्स मिल जाएंगे, मतलब कि आपको काफ़ी सस्ता कॉइन पड़ेगा। तो जब भी आप रिचार्ज करवाना चाहें, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है वहाँ पे क्लिक करके उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, प्लान वगैरह देख सकते हैं और उसके हिसाब से रिचार्ज करवा सकते हैं। फिलहाल हम आ जाते हैं अपने मुद्दे पे और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि ये कॉइन्स हमें फ्री में कैसे मिलेंगे। फ्री में लेने के लिए दोस्त देखिए यहाँ पे नीचे रिवॉर्ड का एक ऑप्शन दिया गया हमारी आईडी पे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो हमारे सामने कुछ टास्क ओपन हो जाते हैं जिसको हमें करना होता है और ये टास्क डेली के होते हैं हमारे। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि हमें यहाँ पे वीआईपी परचेज करने के लिए, अगर हम वीआईपी परचेज करते हैं तो यहाँ पे हमें 35,000 डायमंड्स मिल जाएंगे, सॉरी ये गोल्ड कॉइन्स मिल जाएंगे जिसको हम सेंड कर सकते हैं किसी को भी। ओके, लेकिन ये फिर हो गया पैसे लगने वाली बात, तो यहाँ पे हमें वो चीज़ तो करना नहीं है। तो अब हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि ऊपर के जो दो ऑप्शंस दिए गए ना, ये दोनों छोड़ दीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ऑन द माइक फॉर 15 मिनट्स इन पार्टी, मतलब आपको माइक पे 15 मिनट के लिए बैठना है पार्टी के ऑप्शन में। ओके, तो अगर वो आप कर लेते हैं, 15 मिनट ही सिर्फ लाइव रहते हैं, तो आपको 200 यहाँ पे कॉइन्स मिल जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कोई अगर आप गेम जीतते हैं, फ्रूट गेम जीतते हैं, नंबर गेम जीतते हैं, तो उसके अलग अलग से रिवॉर्ड्स हैं। तो ये तो हो गया जो आपके डेली टास्क हैं, और इसको भी आप करते हैं यहाँ पे तो बहुत अच्छे से आपको कॉइन्स मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है कि लाइव वाले ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ पर किसी के भी हमें पार्टी रूम में बैठ जाना है। ओके, अब मैं आपको दिखा देता हूं कोई भी एक पार्टी रूम जहां पे आपको भी 15 मिनट के लिए बैठना है। तो देखिए अभी जैसे ये पीके चल रहा है, ओके, और यहां पे जब आप क्लिक करके थोड़ा सा देखेंगे ना तो आपको पार्टी रूम भी यहां पे दिख जाएगा काफी ज्यादा, जहां पे ज्यादा मेंबर्स होते हैं, जैसे ये पार्टी रूम है। ओके, और जैसे ये पार्टी रूम है तो यहां पे भी हम कोई भी एक पार्टी रूम ओपन कर लेते हैं और यहां पे हम आ जाते हैं। ओके, तो ये देखिए अब जैसे हमारे सामने एक हो गया पार्टी रूम ओपन और यहाँ पे जैसे दिखा रहा है कि ये मेंबर बैठे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए बाकी चेयर्स भी अभी कुछ खाली दिख रही हैं। यहाँ पे किसी भी चेयर पे अगर आप बैठ जाते हो 15 मिनट के लिए लाइव रह जाते हो तो आपको 200 कॉइन्स वो मिल जाते हैं। ओके, तो ये तो हो गया एक सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको बताया। लेकिन ऊपर जैसे ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक विश का ऑप्शन है और उसके साथ ही देखें कि एक दिखाया हुआ ऑप्शन, ये देखिए गिफ्ट बॉक्स सा बना हुआ है। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि टाइमिंग चलती है, ये 5 मिनट का होता है और जैसे ये कंप्लीट हो जाता है ना, मतलब एक ब्रॉड पे आप 5 मिनट के लिए रुक जाते हो तो फिर ये बॉक्स ओपन होता है। अभी देखिए हमारा ये टाइमिंग चल रहा है वहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, और जैसे यहाँ पे ये 30 पूरा हो जाएगा, जैसे 35 से चलना शुरू होता है, 30 पे जब आएगा तो यहाँ पे टाइम 0:00 हो जाएगा और उसको आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे से भी हमें कुछ रिवॉर्ड मिल जाते हैं, कुछ कॉइन्स मिल जाते हैं। तो वो तो हो गया दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए जैसे ये चल रहा होता है ना तो देखिए यहाँ पे कुछ लकी व्हील का ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ पे सिस्टम का दिखाया हुआ है और यहाँ पे गो टू सी का ऑप्शन दिया गया है। ओके, इस तरह का मैसेज आता रहता है, यहाँ पे हमें उसको चेक करते रहना है। जब आप यहाँ पे देखेंगे ना कुछ मैसेजेस ऐसे आते हैं, मैं यहाँ पे भी ध्यान रखता हूँ कि जब आए तो मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि उस मैसेजेस में लिखा होता है कि जब गो टू सी, वहाँ पे लिखा रहता है कि आपको क्या करना है कि जब गो टू सी पे आप क्लिक करेंगे ना तो आप किसी और के ब्रॉड पे चले जाएंगे, वहाँ पे आपको 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट के लिए रुकना है और उसके बाद वहाँ पे फायर बॉक्स होगा, काफ़ी ज़्यादा पटाखे फूटेंगे और उसके बाद आपको भी कुछ रिवॉर्ड में वहाँ पे कॉइन्स मिल जाएंगे। इस कॉइन्स की कुछ भी लिमिट नहीं होती, कितने भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको आइडिया बताऊँ तो मतलब कि 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह के कॉइन्स तो यहाँ पे मिल जाते हैं जो फ्री में, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा चलते रहते हैं। ओके, अभी जिस पे हैं, जिस ब्रॉड पे हैं, यहाँ पे हमें कम देखने को मिल रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे तो वो चीज़ भी आपको देखने को मिल जाता है। अब ये तो हो गया कुछ सिंपल सिंपल सा मेथड, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी इस तरीके से आपको जितने कॉइन्स मिले, आपको क्या करना है कि जब जो भी आपके फेवरेट मेंबर हैं उनको आप गिफ्ट करने के लिए यहाँ पे आएँ,
तो यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ पे लकी गिफ्ट है ना, लकी के ऑप्शन पे क्लिक करके और ऊपर के कुछ जो गिफ्ट हैं इनको आप सेंड करें। अगर आप क्रिस्टल भी सेंड करते हैं ना तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। ओके, मैंने एक बार ये क्रिस्टल सेंड किया था तो मुझे यहाँ पे 2000 कॉइन का क्रिस्टल है लेकिन मुझे 4000 कुछ रिवॉर्ड मिल गए थे कॉइन्स। अब ये देखिए, ये सारा कुछ दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ब्रॉड को बंद करता हूँ और मैं आ जाता हूँ अपने आईडी पे। ओके, और कॉइन के हिस्ट्री पे हम चेक करते हैं। जैसे आपने देखा कि हम कॉइन पे आ गए और कॉइन पे आने के बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारा एक्सपेंस क्या है और हमारा गेन क्या है। ओके, आप चाहें तो दोनों चीज़ें अलग अलग भी देख सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम सारा दोनों ही देखते हैं कि क्या चीज़ मैंने गिफ्ट किया था तो क्या मुझे रिवॉर्ड आया, वो चीज़ भी आप यहाँ पे देख लें। ओके, अब देखें कुछ ये आईडीज़ हैं जिनको मैंने गिफ्ट किया। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि 5000 कॉइन मैंने गिफ्ट किया तो मुझे 93 मिले। ओके, जैसे ये देखिए, यहाँ पे कुछ और मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने अभी बात किया था। ये देखिए, मैंने एक गिफ्ट सेंड किया था क्रिस्टल कॉइन, ये 2000 रुपये का मैंने गिफ्ट सेंड किया था और बदले में मुझे यहाँ पे 4143 जो कॉइन्स है वो मिल गए। मतलब जितना मैंने गिफ्ट सेंड किया उसके डबल मुझे मिले हैं। सेम यहाँ पे देखिए, 100 रुपये का मैंने जो 100 कॉइन का एक गिफ्ट सेंड किया, ये लकी कॉइन में ज़्यादा होता है दोस्त, इसको ध्यान रखें कि 100 कॉइन का मैंने गिफ्ट सेंड किया तो मुझे 890 कॉइन वैसे रिवॉर्ड पर मिल गए। और फिर उसको आप सेंड करेंगे वैसे ट्रिक बना के तो उसमें भी आपको और भी ज़्यादा बोनस मिलता रहे, ऐसे रिवॉर्ड मिलते रहेंगे। ओके, जैसे ये देखिए, जो मैंने आपको फायरबॉक्स वाला बताया था कि आप जब भी लिंक पे क्लिक करके दूसरे के ब्रॉड पे जाएंगे तो वहां पे एक मिनट के लिए रहना है, तो फिर यहां पे देखिए मुझे 55 कॉइंस मिले हैं। ओके, और यहीं पे आपको मैसेज भी आ जाएगा कि मतलब किसी किसी में मुझे ज़्यादा भी, जैसे एक यहाँ पे दिखा रहा है फ्री फायर, यहाँ पे फायरबॉक्स का दिखा रहा है, यहाँ पे मुझे 93 कॉइन्स मिले हैं। अब दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चारों ही ट्रिक आपको समझ में आ गया। किसी में भी कोई भी डाउट रह गया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, मुझे वहाँ पर डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।